हेलो ब्रिवन, केमिकल फ्रॉम साल्ट का नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा। नेक्स्ट केमिकल ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ओके। केमिकल फार्मूला CaO Cl2 CaO Cl2। दिस इज द केमिकल फार्मूला, ओके। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर पाउडर। दिस इज द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ द साल्ट, ओके। केमिकल फ्रॉम द साल्ट, ओके। इसके पहले वाला कंपाउंड क्या था बेटा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ा था बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला CaOCl2, केमिकल फार्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे बेटा इसको बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या है? लेते हैं स्लैग्ड लाइम, क्या लेते हैं बेटा? स्लैग्ड लाइम CaO CoH होल ट्वाइस को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से। किससे बेटा? क्लोरीन। दिस द स्लैग्ड लाइम, ये क्या बेटा? स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2। क्या बनता है बेटा? CaO Cl2। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? स्लैग्ड लाइम को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से। किससे बेटा? क्लोरीन से। तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ओके। यूज क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सेकंड यूज है ब्लीचिंग यूज इन पल्प पेपर फैक्ट्री, पल्प पेपर फैक्ट्री। तो पहला यूज है बेटा पेपर इंडस्ट्री में, दूसरा है दूसरा यूज क्या था बेटा? ब्लीचिंग एजेंट इन द पल्प इन पेपर फैक्ट्री। डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है बेटा इसको, वाटर को, क्योंकि बेटा ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्लोरीन का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है? क्लोरीन का। तो इसको हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। पेपर फैक्ट्री में यूज होता है बेटा एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ओके। और नेक्स्ट यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है? कलर्ड मटेरियल को कलरलेस करता है। क्या करता है बेटा? कलर्ड मटेरियल को कलरलेस करता है। ब्लीचिंग इन कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री फर्स्ट यूज, सेकंड यूज ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टिंग इन वाटर, ओके। डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में पेपर इंडस्ट्री में, ओके, यूज होता है। नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड साल्ट फ्रॉम, न्यू केमिकल फ्रॉम साल्ट, क्या बेटा? बेकिंग सोडा। फार्मूला क्या होता है बेटा बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम, ये केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं बेटा इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट लेते हैं बेटा, NaCl,
ब्राइन को रिएक्ट करवाते हैं NaCl का सोलूशन, NaCl का सोलूशन अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं बेटा, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NaCl को बेटा अमोनिएटेड एंड कार्बोनेटेड गैसेस गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है अमोनियम सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये क्या बेटा? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। एक होता है बेटा बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। क्या डिफरेंस है दोनों में? बेकिंग सोडा इज द सोडियम बाई कार्बोनेट, बट बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। तो बेटा बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज क्या होता है बेटा? बेकिंग पाउडर का यूज केक बनाने में। क्या बनाने में बेटा? केक बनाने में, एंटासिड में। कहाँ बेटा? एंटासिड में, केक बनाने में, एंटासिड में। और कहाँ यूज होता है एंटासिड? और फायर एक्सटिंग्विशर में। वहाँ बेटा फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, फार्मूला NaCO3 एंड बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। यूज इन एंटासिड, इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है बेटा? बेकिंग पाउडर को बनाने में। लिख लीजिए, यूज लिख लीजिए, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग, मेकिंग बेकिंग पाउडर, मेकिंग बेकिंग पाउडर, एंटासिड में एंटासिड, अर्थर है फायर इंस्टीट्यूशन में। ओके, किसका यूज है बेटा? बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग पाउडर जानते हो किसका मिक्सचर होता है बेटा? बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का क्या यूज होता है बेटा? केक को पफिंग करने में बेटा, केक को पफिंग करने में। केक और ब्रेड को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने में किसका यूज होता है बेटा? बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट बेटा वाशिंग सोडा, नेक्स्ट केमिकल फ्रॉम साल्ट वाशिंग सोडा। क्या बेटा? वाशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनाते हैं बेटा? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं बेटा? रिक्रिस्टलाइज करते हैं Na2CO3 प्लस H2O। हाउ मेनी H2O बेटा? 10H2O मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज होके क्या बनाते हैं? वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3.10H2O। यूज क्या है बेटा? इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, क्लीनिजिंग एजेंट इन हाउसेज एंड रिमूविंग
हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर, हार्ड वाटर क्या किया जाता है बेटा, सॉफ्ट किया जाता है किससे, सोडियम कार्बोनेट से। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट केमिकल फ्रॉम साल्ट पीओपी, क्या बेटा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टली इसको लिखते हैं बेटा पीओपी। केमिकल फार्मूला 2CSO4 इंटू H2O और CSO4 हाफ H2O। केमिकल नेम बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मीन्स जितना कैल्शियम सल्फेट होगा बेटा उसका हाफ अमाउंट क्या होगा, वाटर होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट का हाफ अमाउंट क्या होता है, वाटर, तो इसको केमिकल, केमिकली क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या होता है बेटा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जितना कैल्शियम सल्फेट होगा बेटा उसका हाफ अमाउंट क्या होता है, वाटर। सो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बनाते कैसे हैं इसको बेटा, जिप्सम से, किससे बनाते हैं, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, CSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, यह है जिप्सम को बेटा हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पीओपी में, किस में बेटा, पीओपी में। इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं और क्या बन जाता है, पीओपी। ओके, इफ यू हीटेड जिप्सम एट द 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म पीओपी, क्या बनता है बेटा, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, इसका भी यूज देख लीजिए, क्या यूज है, फॉर मेकिंग टॉय एंड डेकोरेटिंग मटेरियल, फॉर मेकिंग सरफेस को स्मूथ करने में। ओके, सरफेस को स्मूथ करने में, टॉय बनाने में, डेकोरेशन में, किसका यूज होता है बेटा, पीओपी का। ओके, तो कितने कंपाउंड पढ़ा हमने बेटा आज, कल एक पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, आज हमने पढ़ा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी, क्या पढ़ा बेटा, पीओपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने प्रिपेयर किया था क्लोर एल्कली प्रोसेस से, किससे बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ओके, नेक्स्ट पढ़ा हमने बेटा ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए स्लैक्ट लाइम को हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला CaOCl2, क्या होता है बेटा, CaOCl2। ओके, CaOCl2 द सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्या यूज है बेटा, वाटर को डिसइंफेक्ट करने, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में उसको। ओके, पेपर इंडस्ट्री में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलर मटेरियल क्या करते हैं बेटा, कलर, और कहाँ यूज होता है, लिनन इंडस्ट्री में, कहाँ, लिनन इंडस्ट्री, फैब्रिक एंड लिनन इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, अदर नेम इज बेकिंग सोडा, क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। कैसे बनाते हैं इसको, इसको लेते हैं ब्राइन, क्या लेते हैं बेटा, ब्राइन, ब्राइन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ओके, फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा का यूज क्या है बेटा, मेकिंग बेकिंग पाउडर, मेकिंग बेकिंग पाउडर, फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर। ओके,
नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा फार्मूला एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू। एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाते कैसे बेटा, रिक्रिस्टलाइज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, क्या बनता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू। एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू यूज क्या है बेटा, आप जानते हो कपड़े को वॉश करने में यूज होता है, वाटर के हार्डनेस को दूर करने, वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज होता है, ओके। और पेपर इंडस्ट्री या पल्प इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने बेटा, पीओपी। क्या पढ़ा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जितना कैल्शियम सल्फेट होता है उसका हाफ अमाउंट क्या होता है बेटा, वाटर। बनाते कैसे हैं बेटा, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को हीट करते हैं हम स्ट्रांगली 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, इसका वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ओके। यूज क्या है बेटा, डेकोरेटिंग डेकोरेशन में, सरफेस को स्मूथ करने में, और टॉयज बनाने में, या और एक यूज और इसको क्या, प्लास्टर करने, फ्रैक्चर अगर कहीं बोन फ्रैक्चर हो गया है तो उसको क्या करने में बेटा, प्लास्टर करने में यूज होता है। आई होप जितने भी आपने कंपाउंड पढ़ा वो आपको कंसेप्चुअली क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट मी। थैंक यू।